हे गाइस व्हाट्सअप, सो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट प्रतीक और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं अभी नेपाल में। नेपाल में एक जगह है पोखरा जो कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है नेपाल की। वहां से 40 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है नया पुल। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से आपको लेके जाऊंगा मैं एक ऐसी ब्यूटीफुल विलेज जिसका नाम है गानरुक। और इस विलेज के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है क्योंकि यहां जाने के लिए सीधी बस नहीं है, सीधा कोई साधन नहीं है और कैब ड्राइवर्स बहुत लूटते हैं। तो आप कैसे जाओगे, कैसे पहुंचोगे सुंदर सी जगह पे, वो सब मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में। तो गानरुक की कहानी शुरू करते हैं हम पोखरा से। पोखरा से 40 किलोमीटर दूरी के लगते हैं आपके 140 रुपये नेपाली, में इंडियन मनी में हुए लगभग 90 रुपये। मेन रोड पे आपको छोड़ेगी बस, तो बट आपको आना है थोड़ा सा नीचे। अगर आप वहीं पे रुकते हो नया पुल जो बस स्टॉप है, तो वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि सारी शेयरिंग कैब जा चुकी है, हम आपको छोड़ देते हैं 3-4,000 नेपाली रुपीज़ जो कि इंडियन मनी में होते हैं 2 से 2,500। तो वो आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है वॉक करके 5 से 10 मिनट। आपको आना है इस जगह मुक्तिनाथ विकास बैंक नया पुल, यहाँ से आपको मिल जाएगी शेयरिंग कैब जो काफ़ी सस्ते में छोड़ देगी। वो कितना लेती है मैं आपको बताता हूँ जल्दी ही। ऐसा विलेज जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैक जाते हैं अन्नपूर्णा सर्किट के। इसके अलावा इसकी हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे इसको गुरखा हेरिटेज भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से जब ब्रिटिश आर्मी ने अटैक किया था नेपाल पे, जब उन्होंने एम्पावर करना शुरू किया कुछ पार्ट को, तब उन्होंने गुरखा की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस ये थी कि पीठ पे लगाए जाते थे बहुत सारे पत्थर एक बास्केट में और उनको कंटिन्यू एक लिमिटेड टाइम में जल्दी से भाग के फिनिश करनी होती थी वो रेस। तो जो सबसे पहले पहुंचता था उसकी है ना एंट्री हो जाती थी गुरखा आर्मी इन द ब्रिटिश आर्मी। तो भाई यहाँ से दो ऑप्शन जाते हैं, पहला है बस जो 300 नेपाली रुपीस लेती है और दूसरा ऑप्शन है जीप, जैसे मैं अभी जीप में बैठा हूँ और ये चार्ज करती है 500, बट मैंने इसमें बार्गेन करके 400 में ले आया। टाइम लगेगा 1.5 से 2 घंटा। तो मैं मिलूँगा आपको वहीं पर और थोड़े व्यू नज़ारे दिखा दूँगा रास्ते में अगर अंधेरा नहीं हुआ तो। जानते हो इंडिया के ब्लॉगर और जो सौरभ जोशी, सौरभ जोशी हाँ यूके राइडर को तो बात मत करो बाबू भैया, बाबू भैया के, अरे बाप रे क्या बात कर रहे हो, उनकी बहुत ज्यादा मीम बनते हैं बिग बॉस, बाबू भैया के बिग बॉस भी देखते हैं हमने। बाबू भैया का नेपाल से पहले से ही गर्लफ्रेंड था ना, अच्छा मैंने बस उनके मीम देखे हैं। नहीं मैंने देखा आप सब काठमांडू गए हो? नहीं हम लोग एक्चुअली मैं जनकपुर साइड की है, बिहार स्टेट के बगल में। अच्छा और रह रहे काठमांडू में, पढ़ रहे हैं काठमांडू में, अभी घूमने के लिए तो यहाँ पढ़ रहे हो। अच्छा ये चारू ट्रिप में हाँ साथी सब भाई, रास्ता हो रखा है ख़राब। यहाँ भी लैंडस्लाइड मिला है हमें मुक्तिनाथ से, पूरा देखते देखते हैं हर जगह लैंडस्लाइड या फिर इनका टूटा है कुछ तो हुआ है बारिश की वजह से। तो गाइस गानरुक का सबसे फेमस कॉटेज है गुरुंग कॉटेज। इस एरिया में आपके कॉटेज बने हुए हैं, ये यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ से वॉक करके आपको 15 मिनट्स लगेंगे गुरुंग कॉटेज पे पहुँचने में। वहाँ के व्यूज़ वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ मैं कल सुबह, अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो दोस्तों गुरुंग कॉटेज तो फुल था बट उसके पास ही मुझे एक बहुत ही बढ़िया रूम मिल गया जो कि सिर्फ 600 इंडियन रुपीस में था और बाहर का व्यू भी बहुत बढ़िया था। अब हमें इंतज़ार था अगली सुबह की सनराइज़ का जो कि बहुत ब्यूटीफुल होने वाला था। तो भाई नेपाल में सबसे ब्यूटीफुल सनराइज़ अगर आपको देखना है और आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है तो वो होता है गानरुक में एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी जस्ट होने वाला है 10 से 15 मिनट में, आपको व्यू दिखाता हूँ जल्दी। अभी देखो ये है नज़ारे कलर्स। तो भाई इट्स मॉर्निंग इन गानरुक, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम गानरुक। और मेरे पीछे देख रहे हो अभी ये है ब्यूटीफुल गानरुक विलेज और इस विलेज में सबसे ब्यूटीफुल कॉटेज है गुरुंग कॉटेज। इसे बुक करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले बुक करना होता है बाय कॉलिंग द नंबर। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, ये व्यू है पीछे माउंटेन एंड दिस इज द प्लेस। इन कॉटेज से व्यू पीछे ये बैकग्राउंड, सामने ये सनराइज व्यू देता है पूरी वैली का व्यू। सो अकॉर्डिंग टू टाइम्स आउट मैगजीन, ये एक मैगजीन है जो बेस्ट डेस्टिनेशंस एंड ट्रेवल प्लेसेस बताती है, इस मैगजीन के अनुसार
गानरोक इज द सेकंड बेस्ट स्मॉलेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में सेकंड नंबर मिला है इस भाई, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये है यार बहुत सुंदर है, ऐसे नज़ारे हों तो फिर और क्या चाहिए भाई। जो मेजर अट्रैक्शन है इस विलेज का वो है यहाँ की गुरुंग कम्युनिटी। ये एरिया आता है कस्की डिस्ट्रिक्ट में, इस पूरे एरिया में पाई जाती है गुरुंग कम्युनिटी, जो काफ़ी फ्रेंडली है। एंड आप लोकल नेपाली कल्चर अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों एज यू कैन सी वो जो वाला माउंटेन है वो है, इस विलेज को गोरखा हेरिटेज भी कहा जाता है। यहाँ से काफ़ी ट्रैक्स भी जाते हैं, जिनमें से शॉर्ट अगर ट्रैक आप करना चाहो उसका नाम है गोरेखानी टू गानरोक। यहाँ की शाम बहुत सुंदर होती है। इधर एक ट्रेडिशनल म्यूजिक चलता है जिसका नाम है रोदी, अ ट्रेडिशनल नेपाली फोक म्यूजिक, ये चलता है रोदी घर में। तो दोस्तों यहाँ का सबसे फेमस कॉटेज है गुरुंग कॉटेज। इस कॉटेज के मैंने आपको भी सारे व्यूज़ दिखाए, मतलब अगर आप गानरोक आए हो तो आपको यही कॉटेज में रहना है, मतलब मान के चलो। बट इसकी बुकिंग 15 से 20 दिन तक नहीं मिलती है, मतलब 20-20 दिन तक फुल रहता है, कभी महीने भर तक फुल रहता है। बट यहाँ पे इनके नंबर दिए हुए, सो यू कैन बुक बाय कॉलिंग देम। ऑनलाइन कहीं बुक नहीं होगा ये, और कहीं पे भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी कि कैसे ऑनलाइन कहीं बुक कर पाए अपन। सो गाइस मैं हूँ अभी गुरुंग कॉटेज और मुझे यहाँ मिले कुछ नेपाली गर्ल्स, ब्यूटीफुल नेपाली गर्ल्स, और इन्होंने पहने हैं गुरुंग ड्रेसेस। तो अभी यहाँ शूट करेंगे, वो सब आपको सिनेमैटिक मिल जाएंगे। कपल यहाँ पे काफ़ी सारे कपल शूट होते हैं एंड लोग शूट करने आते हैं। सो वी हैव योर नेम करिश्मा, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम काठमांडू। काठमांडू, एंड यू? माय नेम इज सुभाष, आई एम फ्रॉम काठमांडू। काठमांडू, सो व्हाट यू वेयरिंग? इट्स नेपाली गुरुंग कल्चरल ड्रेस। दिस इज यूजुअली वेयरिंग, इट्स इन कल्चर इवेंट स्पेशली, बट इन ओल्ड एज दे आर यूजुअली वेयरिंग एवरी डे। ओके, we have ornaments. First I will show my this one, it's called sirbandi, and it's chandrama. Okay, it's called chandrama. It's then similar like we have in India also. Yes, okay. Pahadi, yes, region, right? Yeah? Yes. So this this one I forgot the name. Hambel, it's hambel. So yeah, this called is hambel. It's look like a coin. So usually this one is munga. So every culture have different name for this, so okay. So this gurung traditional clothing, yes, they wear in Kathmandu also sometimes, everywhere, wherever. Okay, in Nepal gurung, community they can wear. Okay, and we have event, even we other caste we can wear as well. Okay, and gurung community mostly is in Gandruk. Gandruk, Ghalegaon, Gorkha, Gorkha, like that kind. Yeah. Yeah, okay, thank you. Thank you. तो भाई यहाँ मोस्टली हो रहा है फोटोशूट, वो प्रॉपर जो गुरंग ड्रेसेस हैं उन ड्रेसेस में जा रही हैं लड़कियाँ, और कपल शूट भी हो रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस यार। फोटो हमने क्लिक की, सो यू लाइक द पिक्चर? वेरी नाइस, थैंक यू। यू आर फ्रॉम काठमांडू? काठमांडू। ओके नाइस, पीपल आर रियली नाइस इन नेपाल। Thank you. We are also first time here in Gandrok. This is really very, very, yes, very beautiful. And it's good that you are wearing this clothes. Yeah. 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 कर रहे हैं हम फोटोशूट, बढ़िया सा। तो दोस्तों मैं रुका हुआ हूँ इस अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस में, जहाँ मुझे सिंगल बेडरूम मिला 600 नेपाली रुपीज़। अगर आप प्राइवेट लेते हो तो 1000 नेपाली रुपीज़ है। तो दोस्तों एज यू ऑल नो गानरोक विलेज आता है अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में, तो यहाँ के लिए भी आपको परमिट लेना ज़रूरी है, जो लगभग 1000 नेपाली रुपीज़ में बन जाएगा आपका पोखरा से। तो परमिट लेना मत भूलना। अभी हम जा रहे हैं गानरोक की, गानरोक विलेज का बिल्कुल लोकल एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक है इनका टेम्पल मशरूम बरा टेम्पल, और एक है यहाँ पे म्यूजियम, ओल्ड म्यूजियम, जिसमें आप इनकी हिस्ट्री एंड इनके ड्रेसिंग एंड इनका कल्चरल डांस भी होता है वो सब आप देख सकते हो।
यहाँ के रास्ते देखो यार, कितने सुंदर रास्ते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे जितने भी रिजॉर्ट होम स्टेज हैं वो आपको ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में मिल जाते हैं और आप अपना मस्त शूट कर सकते हो। आई हियर द साउंड, चिड़ियाँ चहक रही हैं यार, एकदम प्रॉपर फॉरेस्ट वाली फील है। इतनी बढ़िया आवाज़ आ रही है ना, आई कैन सी इन द वर्ड्स कितना पस्त लग रहा है। गेट है मेश्रा मंदिर जाने के लिए ऊपर, और मुझे हेल्प की। ओके, ये है स्टीप रास्ता एकदम। यहाँ आने में मुझे 30 मिनट्स की तो वॉक हो गई है, 30 मोर मिनट्स आई गेस लगेंगे। तो आपका इट्स लाइक अ शॉर्ट ट्रैक, 1 hour into 2 hours में आप ये ट्रैक कर सकते हो। बहुत ही मस्त ट्रैक है, बहुत प्यारा है। दोस्तों ये है श्री मेश्रम वरा टेम्पल। जय हो, शक्ति दीजिएगा भगवान। लोकल हाउसेस हैं, ओरिजिनल घर हुआ करते थे गुरुंग कम्युनिटी के। वो छत पे स्टोन के पीसेस होते थे। तो मेनली अगर आपको पहचानना है कि लोकल होम कौन सा है तो उनकी छतें देखोगे आप, तो वहाँ पे स्टोन पीसेस होते हैं। तो सीधे लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर पत्थरों को टिकाया गया है। यहाँ है ओल्ड गुरुग्राम म्यूज़ियम। इधर आपको 1992 में बना था ये, इधर आपको सारा डिस्प्ले किया हुआ है कि कैसे टिपिकल गानरुक के लोग जो कस्की में रहते थे वो कैसे रहते थे। तो यहाँ म्यूजियम की एंट्री फी है ओनली 100 rupees, यहाँ से आपका एंट्री हो जाता है, एंट्रेंस है यहाँ से। तो ये कुछ इस तरह से यार डोर लॉक हुआ करते थे उस ज़माने के ताले। ये टोकरी हुआ करती थी कुछ भी सामान ऊपर से नीचे लाने के लिए, ले जाने के लिए। ये पानी भरने के लिए तांबे के बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ इसे कहा जाता है थौनी हैमर, ये लकड़ी का हेमर हुआ करता था। वुड प्लेनर, वही जैसे खाती काम करते हैं, ये सारा लकड़ी के काम करने के लिए। बट सी दिस, दिस इज द रियल गन उस टाइम की, ये तलवारें। एंड हियर इट्स धनुष उस टाइम के, इनको कहा जाता था मेदाली। ये बड़े बड़े बर्तन थे उस जमाने के जो पानी को एकत्रित करने के लिए रखे गए होंगे। मोस्टली ये यूज लेते थे बम्बू स्टिक्स एंड बर्तनों के लिए ये लेते थे तांबा यूज। और ये यहाँ का ट्रेडिशनल क्लोथिंग, जो रियल क्लोथ्स थे इस तरह पहनते थे यहाँ की महिलाएं। नीचे आप देख सकते हो जूतियाँ हैं, ये इनका काइंड ऑफ लुंगी, और ये मैंने सुबह आपको दिखाया था वही सब इनका। और यहाँ इनके सिर पे एक चंद्रमा होता है जो दर्शाता है कामनेस ऑफ गर्ल। तो ये सब पहनती हैं लड़कियाँ। गुरुंग कम्युनिटी के मैन what they used to wear, it's like a lungi, ऊपर एक शर्ट, and this was to cover and to collect things. इसके साथ ही यहाँ रखा जाता था चाकू, and नीचे you can see पोर्ट, स्पिट पोर्ट। तो दोस्तों म्यूजियम विजिट के बाद मुझे मिला यहाँ पे सुविनियर ओल्ड गुरुंग म्यूजियम, और इन्होंने मुझे दिया। काफ़ी अच्छी हैं आंटी, दादी जैसे हैं, काफ़ी बढ़िया जगह यार ये प्लेस, ज़रूर इसको विजिट ज़रूर करो। दोस्तों आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आप आ रहे हो नेपाल कभी भी तो तब तक के लिए इस व्लॉग को सेव कर लो। और अगर ये व्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, ये जगह अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी प्लेसेस आपके लिए लेके आऊँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपके लिए सब कुछ।